Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. Day number 2, आज मेरे फार्म का छोटा सा फार्म अल्लाह पाक ने हदायत दी है काम करने की, तो स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, कल जो थोड़ी सी सफाई करवाई थी लेकिन वो सांप वगैरह निकले थे, और आज जो है बंदा साफ सफाई कर रहा है. इधर जो है ना, मैं ऐसा करना है, अभी वो ईंटें और सीमेंट वगैरह रेत सारा कुछ करके ना इधर से दीवार लेके जानी, इधर से और दूसरे कोने से जो ना मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो कोने उधर से ऐसे और एक इधर से ऐसे ऐसे करके आगे से जो बंद करेंगे, इधर दरवाजा लगाएंगे, इधर वो मिट्टी वगैरह डाल के सारा जो है एक छोटा सा बनाएंगे. ठीक है, गंदगी बहुत थी अंदर, बंदा लगा हुआ सफाई करने. कल के हिसाब से तो बहुत बेटर हो गया, कल तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो पूछेगा तो कर रहा हूँ. अभी ऊपरी जंगाल वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं गंदगी, थोड़ी सी सारा साफ करके रात वगैरह करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह. बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक कामयाबी दे इसमें. ठीक है, नीयत तो बहुत अच्छी तरीके से की है देसी मुर्गी का फार्म बनाने की, तो देखते हैं अब इंशाल्लाह. ये नलका नलका लगा है, नलका चलो अपना जाती. ये पहले हम मेरा दिल था इधर से दीवार निकालने का, फिर मैंने अगर इधर से निकाल दी फिर ये कि ये नलके वाली जगह ना ये सारी जो है ना वो कवर अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर वो कोई इंसान पता नहीं जानवर वाले आते हैं, बंदे लेके आते हैं, वो भी 100 लोग नहीं गुजरता है पानी पीने वाला, ये वो कुछ जानवर आते हैं लेके पानी पिलाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने वो सोचा बीस फिलहाल इधर से स्टार्ट करते हैं. तो बाद में और ये जो जगह है छोटी सी इधर भी कुछ करेंगे, इधर कोई जंगला सा लगा के ना कुछ या कुछ बना के इधर भी इंशाल्लाह लावा खैर करें. तो अभी बस ईंटें लानी है, वो बंदे को बोला हुआ है ईंटें का, ईंटें वगैरह लाएँगे, तो ईंटें वगैरह लगा के उसके बाद सीमर लाना है. ठीक है, अभी ठेकेदार साहब आ गए हैं, उनसे कुछ रब्ता शब्ता करना है. ठेकेदार साहब ये बैठे आ गए हैं, ठेकेदार साहब करते हैं बात, बताते हैं आपको. भी आ चुके हैं और अल्लाह के नाम से मनियादों का काम भी स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बिल्कुल ये जो डेरा हमारा बन रहा है ना बिल्कुल चेंज नज़र आएगा इंशाल्लाह खूबसूरती के साथ. दरख्तों की छाँव में बैठ के रोड के साथ हम मशवरात कर रहे हैं कि और कौन कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी लानी है. और नहीं रोला होता तेरा ही रोला होता यार उत्था भाई हाथ नाल ज्यादा सेक दी इथे छां है उथे ओ डेरे इतनी दूर जाके कलाई थले बैठना. बिजली बिजली आ सी उथे को बिजली आ सी पानी शानी सोलर नहीं आ सी किसे ने तो लाई मोटर हां जी कल पक्का भी उथे आ जाना टेंशन लेनी सोलर दे पक्का उथे लवा दे सोलर लाना कर ए जिसे समझ मैदान होवे ना हां जी गर्मी राज ये कदे अंजे टमन कदे अंजे मामा रुट पूरी कर छ हां बबो तुसी मैं मेंदा कोन नहीं सी मैं तेरे जान नहीं देते गल ने हो मजदूर दा लबना जिंदगी च नहीं स्पीड बड़ी इनना पेड़ साडे घर कीता है नहीं कीता है बारिश दे बीच राती 11:10 बजे कर ली आज ओ जो जेड़ी बारिश गड़ गई बिजली कड़की तो डारी है तरा निकल गया खतरनाक मजदूर लिया जी दूजा ने आंदा मिंट मारो उठो कम करिए निजाम की करी जाते हो जी. मेरा
छोटा सा फार्म इंशाल्लाह जल्द रेडी हो जाएगा। काम शुरू है, काम जोरों शोरों से चल रहा है। नवे मजदूर आए, बढ़िया गल्ला कर दे रहा हूं। पूरी स्टोरी सुना दे, मैंने देख लिया, मैंने वो अजी आ ग्रह तक नहीं हो जेड़ा मर जा आज खेला के आंदे अब बुटे बड़े आ जे कोई गल नहीं यार। बुटा ना मार दो बुटा बंदा के बुटा बंदा ओ ना मार। माशाल्लाह जी देखो दीवारा ऊंचिया ओला पिया ने जी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह काम खत्म हो गया। चलो और ये हम आए हैं जी अंकल शफीक के पास, ये जो पड़े हुए ना टी कार्ड, इनको कट लगवाना था ताकि वो चार्ज जो है ना वो सही करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी दीवारें और दरवाज़ा लग चुका है, इसके ऊपर लगेगा जालब। अंदर बहुत ज़्यादा सुराख थे, ये जो नहीं सांप वगैरह इनके, तो मैंने बोला कि उन्हें फर्श डाला जाए। और ये देखें जी इतना एरिया मैंने कवर किया है, जो फ्लोर रह गया था आज वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मिस्त्री साहब लगे तो हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना रेडी हो जाएगा। बहुत मेहनती बंदा जी, बहुत मेहनती बंदा है, क्या बात है। यक बना यार नहीं रोला, मैं फिरता रहना तकता रहना, सारे नहीं आईडिया खोल मेरी देखी तेरी नहीं, ये दाग लगी नाम फ्रोली या यार ना तेरा पुर जाना भूल जाना उधर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हाका छत्ता सड़ छड़िया जी, अंदर बंदा लग्या जी बिल्कुल पधरा पुधरा कर फिट माहौल बना जरा ना, बहुत जल्द जो है ना काम शाम जो देखे नज़दीक हो गया, जाल वगैरह लग गया, बिल्कुल वीआईपी माहौल बन रहा है। और आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कैसा था और अभी कैसा हो गया, अभी देखना है आपने कि नेक्स्ट कैसा होगा। ये जी बारो फ्लोर ठीक करवा रहे हैं, इतने बह बू जो बंदा जरा ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दरख्त लगे हुए हैं इनकी नीचे छाओं में बैठेंगे आराम से। ओ ना ना नी बैणा जेड़े सारे आना बिंदे ने, छत ऊपर भी ना कुछ सीमेंट वगैरह लगवाना था, तो अभी हम छत के ऊपर है और छत के नीचे व्यू देखे ना, वो हाय हाय क्या माहौल है जी, फुल व्यू है। यह साइड बाबे जी लगे ने सीमेंट वगैरह बनाना, बाबा जी पूरा जरा माहौल है चस माहौल, सबसे ज़्यादा मज़ा मैं कहता छत के ऊपर ही है, पूरा व्यू नज़र आता है पूरे एरिए की, क्या बात है। ये फ्रंट साइड है अभी रेडी हो। हाँ जी भाइयों चेक करो जी फार्म की फाइनल लुक है, रंग शंग हो गया, जाल शल लग गया, सैटअप जो है ना बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह। तो यह छत उपर व्यू तुम चेक करा रहे हैं जी, पहले पिछु फार्म का यह फ्रंट साइड है, तो तुम्हें मैं थला जाके सारा व्यू दिखाना। वाह जी वाह माशाल्लाह जी, एंट्री हो गई तो चेक करो जी, चेक करो पूरा माहौल बना दिया रंग ने, तो मैं ना नक्शे चेंज कर दिता इस जगह का, क्या खूबसूरती है। वाह जी वाह, रंग वाले पूरे डिजाइन बनाए ने जी, पिंक मार छड़े बच्चे, क्या बात है, ब्राउन दरवाजे पिंक। यह चेक करो जी फ्लोर की हाल सी, ये देखो अज की मतलब फाइनली जो है ना बहुत अच्छा हो गया जो इसका रिजल्ट, अभी जो है ना इधर फार्म जो है ना तकरीबन रेडी है, बहुत थोड़ी बेरा सफाई रह गई है, वो बंदे तो आएंगे वो सफाई सारी कर जाएंगे, तो खुद ही कर देंगे कोई मसला नहीं। और बाकी ये है जी फाइनल वर्क, अभी जो है ना काम रह गया मुर्गी लाने का, मुर्गी जो है ना वो लानी है देसी मुर्गी जो होती है उसका जो फार्म है, तो बस वो लेके आएंगे फिर आपको वो भी चेक करवाएंगे। गाइस ते चेक करो ना जी, मुर्गी शुर्गी पा छड़ी है जी, बिल्कुल रेडी माहौल कर दिता जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वेखो देसी मुर्गी आ गई जी, हूँ माहौल होया ना सैट, हले आस्ता आस्ता और आ रही है, फिलहाल कम लेंदी है लेकिन आस्ता आस्ता और ज्यादा करके वड्डा फार्म ना चढ़ा दे। ये जी फाइनली फाइनली मेरा फार्म रेडी हो गया, मुर्गी भी आ गई, आई होप आप लोग को ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत लगी है इस व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फैमिली के साथ शेयर करें जो कि ये फैमिली व्लॉग्स हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।